इस वेलकम टू पैप कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एल्गो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च। तो बेसिकली इसको अपन लोग एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को एक सॉर्टेड एरे मिलने वाला है और एक की मिलने वाला है। जैसे फॉर यहाँ के लिए हम लोगों का की होने वाला है 45। तो यार अपन लोग क्या करने वाले हैं भाई, चल ऐसे सोचते हैं यार, जैसे मान लें अपन लोग को ये अरे मिला होता और अपन लोग को ये बताना होता है कि 45 का इंडेक्स क्या है। अपन लोग क्या करते हैं यार, अचानक से तो नहीं बोल देते भाई 8 है। अपन लोग क्या करते हैं, लॉजिक अगर बेसिक लॉजिक लगाना होता तो एक एक इंडेक्स को आइटरेट करते हैं। पहले जीरोथ वाले पे आते हैं, पूछते हैं भाई क्या जीरोथ इंडेक्स पे 45 है, ये बोलता नहीं है तो आगे देख ले। तो अपन वन वाले पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है तो अपन और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आगे आते जाते लास्टली यहाँ पे जब आते हैं 8th वाले इंडेक्स से पूछते तो ये बोलता हाँ भाई मेरे पे तो 45 है। तो अपन क्या करते भाई 8 रिटर्न करा देते हैं। ये हो सकता था अगर बेसिक अप्रोच का बात किया जाए तो यार, लेकिन इसमें देख भाई, इसमें अपन लोग को सारे इंडेक्स को आइट्रेट करना पड़ेगा और ये सही मेथड नहीं है यार। इतना थोड़ी ना काम कर सकते भाई, हम लोग तो दिमाग वाले बंदे हैं भाई, अपन लोग भी इतना काम करेंगे तो कैसे चलेगा। तो अपन लोग क्या लगाएंगे भाई, लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, और वो लॉजिक का नाम है बाइनरी सर्च। तो इसके लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं भाई, अपन लोग दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। लो लो में क्या डालने वाले हैं अपन लोग, जीरो डालने वाले हैं। हाई में क्या डालने वाले भाई, जो भी अपन लोग का एरे है उसका साइज -1, ये वाला इंडेक्स फिल करने वाले हैं। बताइए कौन होगा, बेसिकली ये लास्ट इंडेक्स, सीधा सीधी बोला जाए तो ये क्या है, लास्ट इंडेक्स। और लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है भाई, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है भाई 11। और ये दोनों के हेल्प से अपन क्या करने वाले भाई, एक इंडेक्स निकल, एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं मिड, कैसे, लो प्लस हाई बाय 2 करके। और भाई नाम से भी क्लियर है यार, देख मिड निकालना है तो मिड कैसे निकलेगा यार, लो प्लस हाई बाय 2 करेगा तभी तो निकलेगा मिड वाला। चल निकालते हैं भाई फिर, 0 प्लस 11 बाई 2, अपन को मिला 5। ऑफकोर्स निगेट डेसिमल पार्ट यार कंसीडर नहीं करना है अपन लोग को। तो अपन क्या करेंगे, सीधा 5 से जाके पूछ लेंगे, भाई 5 ये बता मेरे को तेरे पे क्या वैल्यू रखा पड़ा है। वो बोलेगा 30 रखा पड़ा है। अब यहाँ से तीन ऑप्शन बनता है भाई, कि ये खुद 45 हो, अगर खुद रहेगा तो भाई बहुत आसान है, अपन लोग सीधा सीधी 5 रिटर्न ना करा दें। दूसरा ये हो सकता है, ये सॉर्टेड एरे है भाई पूरा का पूरा। दूसरा ये हो सकता है, ये जो वैल्यू है ये 45 से छोटा हो। अगर ये 45 से छोटा है भाई तो ये बता मेरे को, ये जो सॉर्टेड एरे है और ये खुद मेरा जो मिड वाला वैल्यू है ये मेरे 45 से छोटा है, तो इधर वाला तो ऑलरेडी सारा छोटा ही है क्योंकि सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो इधर का तो छोटा होगा ही। तो क्या मेरे को इधर कभी भी 45 मिलेगा क्या, मिलेगा ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अपन लोग इधर सर्च करेंगे क्या नेक्स्ट आइट्रेशन में, पहले आइट्रेशन में क्या किए भाई, जो मिड निकालें इसको चेक किए और फिर मिड के वैल्यू के हिसाब से अपन लोग देखे लेफ्ट साइड सर्च करना चाहिए या राइट साइड सर्च करना चाहिए। अगर सोच अपन लोग का मिड का वैल्यू समहाउ 12 होता तो 12 होता तो अपन लोग क्या देखते हैं भाई, देखते हैं मिड पे तो 30 पड़ा है। अब 30 मिड के आगे अगर सर्च करने जाएंगे तो भाई मेरे को बड़ा वैल्यू ही मिलेगा, तो मेरे को फिर इस साइड का डिस्कार्ड कर देना चाहिए था, फिर मेरे को इस साइड का ही सर्च करना चाहिए था क्योंकि अपन लोग को अगर 12 चाहिए तो ऑफकोर्स वो 30 से पीछे मिलेगा, 30 के लेफ्ट साइड मिलेगा। लेकिन अपन लोग का यार क्वेश्चन क्या है, अपन लोग के क्वेश्चन के हिसाब से अपन लोग को क्या सर्च करना है भाई, 45 सर्च करना है। अपन लोग का की क्या है भाई, अपन लोग का की है 45, तो 45 तो अपन लोग को इसी एरिया में मिलेगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में अपन लोग को ये ध्यान रखना है कि अपन लोग इस वाले एरिया को सर्च करें, तो उसके लिए अपन लोग को क्या करना होगा, अपन लोग लो से हाई के बीच में सर्च करते हैं ना भाई, तो अपन लो को अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर देंगे भाई, मिड प्लस 1 से। तो देख मिड यहाँ पे था, लो को अपन यहाँ ला के रख दिए, तो अब क्या करेंगे अपन लोग, किस वैल्यू पे सर्च करते हैं, कहाँ से कहाँ तक सर्च करते हैं भाई, तो अपन लोग सर्च करते हैं लो से हाई के बीच में। तो अब क्योंकि अपन लो यहाँ रख दिया हाई यहाँ रख दिया, तो अपन लोग इस वाले एरिया पे सर्च कर रहे हैं,
ओके, तो नेक्स्ट आइटरेशन में अपन लोग क्या करेंगे भाई, अपन लोग फिर मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकलेगा भाई, लो प्लस हाई बाई टू करके निकालते हैं भाई। फिर से 6 + 11/2 कितना देगा भाई, ये देगा 8। अब अपन लोग को 8 मिला, अपन लोग क्या करते हैं भाई, 8th वाले इंडेक्स पे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तू बता तू क्या है। 8th वाले इंडेक्स पे गए और उससे पूछे कि भाई तू क्या है, तो भाई वो बोला 45 हूँ। अब अपने वैल्यू से मैच करने का कोशिश करते हैं, अगर मैच हो गया तो अपन क्या करेंगे भाई, सीधा बोल देंगे भाई तू ही है, तो सीधा क्यों ना अपन 8 रिटर्न कर दें। अगर नहीं होता तो 45 के वैल्यू के अकॉर्डिंगली इधर या इधर चेक कर रहे होते हैं। ओके यार, अब एक और चीज़ हो सकता है भाई यहाँ पे, वो ये हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए यार जो मेरे एरे में स्टैंड ही नहीं करता, है ही नहीं ऐसा कोई भी वैल्यू, जैसे कि 70 रख ले तू। ओके, तो अगर 70 रख लेते भाई तो यहाँ पे आते चेक करने एरे ऑफ मिड पे मेरे को क्या दिख रहा होता भाई, एरे ऑफ मिड पे मेरे को दिख रहा होता 45, लेकिन अपना वैल्यू क्या होता 70। तो अपन लोग क्या बोलते भाई, इधर डिस्कार्ड कर दे, लो को उठा के यहाँ रख दे, लो को यहाँ पे रख दे और इस वाले पे सर्च कर, शायद यहाँ मिल जाए तेरे को, क्योंकि 45 से नहीं लेफ्ट तो मिलेगा ही नहीं, 70 तो 45 से बड़ा है भाई, तो इधर ही मिलेगा, राइट साइड पे सर्च कर, राइट। तो अपन लोग क्या करते भाई, अपन लोग राइट साइड में सर्च करते हैं कैसे, अपन लोग फिर से मिड निकालते हैं इस बार, और इस बार मेरा लो कहाँ पे होता, 9 पे होता, हाई 11 पे होता, डिवाइड करते 2 से मिलता 10, 10 को सर्च करते भाई, जब 10 को सर्च करते तो क्या मिलता भाई, जब 10 को सर्च करने आते तो देखते भाई एरे ऑफ 10 पे मेरा 50 पर है। अगेन हम लोगों को क्या करना चाहिए भाई, लेफ्ट साइड को सर्च करना बेवकूफ़ी होगा क्योंकि यही 50 है, इधर कहाँ मिलेगा सर 70, तो लो को उठा के यहाँ पे रख देते हैं मिड से एक ज़्यादा पे, यही करते हैं ना भाई, लो को मिड प्लस 1 कर देते हैं, सही। ओके, तो यहाँ पे आ जाता हाई लो, यहाँ पे आ जाता, और जब इस बार अपन लोग मिड निकाल रहे होते हैं तो लो प्लस हाई बाई जब 2 करते भाई, तो अपन लोग को क्या मिल रहा होता भाई, अपन लोग को मिलता 11। तो इस बार मिड का वैल्यू क्या आया है भाई, मिड का वैल्यू आया है 11। तो अपन लोग जाते मिड के पास और पूछते भाई मिड तू बता क्या है, एरे ऑफ मिड जो कि 11 है उससे पूछते, तो वो बोलता भाई मैं तो 67 हूँ। तो अपन लोग राइट साइड सोचते सर्च करने का, लेकिन राइट साइड एलिमेंट है क्या, है ही नहीं, तो लो मेरा क्या हो जाता भाई, लो मेरा मिड प्लस 1 हो जाता। राइट साइड सर्च लगाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, लो को मिड प्लस 1 से अपडेट करते हैं, तो लो मेरा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता। ये कब पॉसिबल है कि लो मेरे हाई से ज़्यादा हो जाए, ये भाई तभी पॉसिबल है जब मेरे एरे का सारा इंडेक्स ख़त्म हो जाए। तो जब मेरे एरे का सारा इंडेक्स ख़त्म हो जाए तो उस केस में क्या कंसीडर हो सकता है भाई, कि मेरे पास वो एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में अपन लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो यार ये छोटा छोटा लॉजिक था भाई बाइनरी सर्च का, तो चलो भाई इसको जल्दी से यार कोड कर लेते हैं अपन लोग। तो यार प्रीडिफाइंड चीज है वो लिख लेते हैं, हैस लोड आईओ स्ट्रीम हैस इंक्लूड वेक्टर, इसको कर देते हैं यार थोड़ा नीचे और यहां पे टाइप करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, मेन फंक्शन बनाए, सबसे पहले एरे का साइज डिफाइन करते हैं जो कि n है, उसका इनपुट ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, उस साइज का एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे, जल्दी से कर लेते हैं भाई, नाम डला देते हैं एरे, साइज डिक्लेयर कर देते हैं n, अब एरे का वैल्यू इनपुट करा लेते हैं,
एरे का वैल्यू भी आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है भाई, की जिसको अपन लोग को सर्च करना है का वैल्यू ले लेते हैं भाई, की भी मिल गया। अब अपन लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें अपन लोग पास कर देंगे एरे और की, और ये हम लोगों को क्या करेगा, ये हम लोगों को रिटर्न कर देगा IDX का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू, और इसको अपन लोग कर देंगे प्रिंट। अब अगर IDX का वैल्यू माइनस वन आ गया तो भाई सीधा समझ जा वो है ही नहीं, और अगर रहा तो पार्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो अपन लोग क्या सोचे हैं भाई, सर्च फंक्शन डिफाइन करना है, जल्दी से कर देते हैं, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, नाम डाल दे एरे, की डाल दे। अपन लोग ने डिफाइन किया था, दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सबसे पहले लो इसका वैल्यू होगा पहला इंडेक्स दैट इज जीरो, दूसरा होगा हाई जिसका वैल्यू होगा लास्ट इंडेक्स। और अपन लोग क्या करेंगे, वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक लो मेरे हाई से छोटा है तब तक सर्च करेंगे। लो डिफाइन कर दिया, हाई डिफाइन कर दिया, जब तक लो हाई से छोटा है तब तक लूप चलाएंगे, लो हाई को अपडेट करते रहेंगे यार, सही है। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम था भाई मिड निकाल ले। मिड कैसे निकालते हैं भाई, लो को हाई के साथ ऐड करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, मिल जाता है मिड, और यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। चेक करते हैं सबसे पहले कि मिड तू खुद मेरे की के इक्वल है क्या, बोलता है अगर है तो फिर आगे काम करने का मतलब ही नहीं है, सीधा सीधी मिड को रिटर्न कर दे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो दो केस हो सकता है, एरे ऑफ मिड मेरे की से छोटा हो जाएगा, और अगर छोटा हो गया उस केस में अपन क्या करेंगे, छोटा हो गया मतलब ये है कि अब मिड वाला वैल्यू ही मेरे की से छोटा है, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड सर्च करने का मतलब ही नहीं बनता भाई, तो सीधा राइट साइड सर्च करते हैं। तो लो को अपडेट कर देंगे मिड प्लस वन से, और अगर मिड बड़ा हो गया मेरे वैल्यू से तो क्या राइट साइड सर्च करने का कोई मतलब होगा, राइट साइड तो सब इसे बड़ा ही होगा, उधर तो मिलेगा ही, तो लेफ्ट साइड क्यों ना सर्च करें। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, आई को अपडेट कर देंगे मिड माइनस वन से, और ये सारे लूप कंप्लीट होने के बाद अगर वैल्यू नहीं मिला तो अपन लोग माइनस वन रिटर्न कर देंगे, अगर मिल गया तो भाई यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मेरा वैल्यू। ओके तो यार अब कुछ इनपुट ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है प्रोग्राम सही से। तो सेवन साइज का ले लेते हैं इनपुट, सेवन साइज का इनपुट लेना है भाई, 1 2 3 4 5 6, और चेक करने के लिए लगा लेते हैं 4, और सर्च करते हैं 4 का क्या इंडेक्स सही सही आ रहा है। 4 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अपन लोग ने क्या किया भाई, लो और हाई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मिड निकाला, और मिड के अकॉर्डिंगली लेफ्ट या राइट डिस्कार्ड करते गया अपन लोगों ने, और इस तरह से हम लोगों को इंडेक्स का वैल्यू मिल गया, और नहीं मिला तो फिर अपन लोगों ने क्या किया भाई, माइनस वन रिटर्न कर दिया। दिस इज फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक, थैंक यू।